वेलकम टू एरोमेटिक कुकिंग। एक और हेल्दी रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं जो कि है गाजर मटर की सब्ज़ी। तो ये रेसिपी वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। यहाँ पर हमने 1 kg गाजर को बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे 3 टमाटर हमने मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। डायबिटिक हैं तो आप आलू स्किप कर सकते हैं, हमने यहाँ पे आलू डाले नहीं है, बट ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं। 1 कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को हीट कर लीजिए, हमने आयरन की कढ़ाई ली है ताकि न्यूट्रिएंट बेटर हो पाए। यहाँ पर हम जीरे का तड़का लगा देंगे, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स में ऐड कर दीजिए। जो भी आपके पसंद के खड़े मसाले हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, चक्रफूल एक्सेट्रा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ यहाँ पे ज़ीरा ऐड करूँगी और मस्टर्ड सीड्स को ऐड करूँगी और इसको भून लूँगी। आपके पास एक ऑप्शन और भी था, आप हल्का सा ऑयल में पहले वेजिटेबल्स को सौते कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का कंजम्पशन ना हो, वेट लॉस में हेल्प करे ये रेसिपी, इसीलिए इसको डायरेक्ट बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी हींग हमने ऐड कर दी है, 1/4 teaspoon इसमें हींग ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज लहसुन भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से प्यूरी लहसुन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसमें गार्लिक के साथ साथ आप जिंजर भी ऐड कर दीजिए, टेस्ट बेहतर आएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे, कलर चेंज होने तक हमने इसको भून लेना है। यहाँ पे हमारी प्याज भून चुकी है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बिल्कुल कर लीजिए अभी के अभी। अब हमारी प्याज तो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने चिली पाउडर डाला है, जो कि मैं येलो वाला चिली पाउडर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे चिली पाउडर एज़ पर द टेस्ट आप ऐड कर देंगे। 1 teaspoon हल्दी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही आप इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो प्याज की प्योरी का पानी बचा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और मसालों को हम इसी पानी के साथ अच्छे से पका लेंगे। ऑयल आने तक मसालों को पका लेना है, पर हम इसमें एक चीज़ और कर देते हैं कि मसालों के साथ साथ हमने मटर तो फ्राई किया नहीं है, इसीलिए हम इसी मसाले में मटर को ऐड कर देंगे ताकि इसी मसाले के साथ हमारी मटर जो है अच्छे से सिक जाए। तो हमने लगभग 1 cup के अराउंड मटर लिया है यहाँ पे, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब 1/2 cup से 1 cup तक मटर ले सकते हैं। इसको इसी के साथ में ऐड कर दीजिए और कवर करके पकने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद हमने इसको ओपन करके देखा तो काफ़ी हद तक हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो प्योरी भी ऐड कर सकते हैं टमाटर की, बट हमने यहाँ पे चॉप करके टमाटर को ऐड किया है क्योंकि मुझे लगता है काट के टमाटर का टेस्ट अलग आता है और प्योरी के बाद अलग आता है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने से आपके टमाटर जल्दी पक जाएंगे, और मुझे ये सुबह में बनानी होती है रेसिपीज़ क्योंकि ये लंच के लिए प्रिपरेशन सुबह में ही होनी होती है, सब चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य पर, तो इसीलिए हम क्विकली बनाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे टमाटर भी पक चुके हैं और इसमें मैं गाजर जो मैंने कट की थी मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आलू भी ऐड कर सकते थे, बट वेट लॉस के लिए हम बना रहे हैं ये रेसिपी लंच में, जिसको मैं ब्रांच चपाती के साथ में बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बिना आलू के हमने ये गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई है, जो कि खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, पर आप इसमें टमाटर नहीं ऐड करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को ये खाने में अच्छी ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ जाता है और टमाटर डालने से ये बैलेंस हो जाता है, इसलिए इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सॉल्ट ऐड करके, गरम मसाला ऐड करके
आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर दीजिए, बट मैं क्या करूँगी यहाँ पे पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम पका रहे हैं इसको तो अब इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा गाजर में वो सब रिलीज़ आउट हो जाएगा सॉल्ट ऐड करने के बाद में, इसीलिए इसको कवर करके रख दीजिए। अब देखिएगा 5 मिनट बाद धीमी आंच पर रखने के बाद ही इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होने लगेगा और ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक जाएगी। देखिए काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा है, इसको जितनी धीमी आंच पर जितने टाइम के लिए आप पकाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर टेस्ट इससे निकल कर आएगा और उतने अच्छे से ये पक भी जाएगी। बस कुछ देर के लिए पकने देंगे और लास्ट में आप इसको धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर लेंगे। मैं इसको रेसिपी को जैसे कि आपको बताया बहुत क्विकली बनाती हूँ, इसीलिए मैं इसको क्विकली शो कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार है। अब जैसे कि आपको लग रहा है नीचे से लग चुकी है, तो इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ दीजिए कुछ देर के बाद, आप इसको देखेंगे तो एकदम ठीक हो जाएगी। तो बस हमारी सब्ज़ी तैयार है, मैं इसको ब्रांच चपाती के साथ एंजॉय करने के लिए लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को एंजॉय करें, ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। बाय।